उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आकर किसानों को गलत तथ्यों के आधार पर उकसा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं है, कुछ विरोध करने वाले एकत्रित हैं, इसलिए इसे किसान आंदोलन कतई नहीं कहा जा सकता। दरअसल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज बाराबंकी में कृषि यंत्रों की निजी कंपनी गोविंद इंडिया द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। इस सम्मेलन में कृषि मंत्री ने गोविंद इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए अर्जुन सीरीज के रोटोवेटर का शुभारंभ भी किया। इस वक्त हमारे साथ गोविंद फैक्ट्री के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम हुआ है, किस तरीके से प्रोग्राम है और यहाँ पे कृषि मंत्री आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा। कि मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। अभी आपके यहाँ कृषि मंत्री जी आए थे, सूर्य प्रताप शाही जी। हम लोग ने एक किसान सम्मेलन रखा था और एक नई तकनीकी से बनाया रोटोवेटर अर्जुन सीरीज नाम का है, जो कि यूरोपियन तकनीक से बना हुआ है और ये कम फ्यूल में ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देता है। तो ये बेसिकली उसी का उन्होंने लॉन्च किया था, वो बहुत संतुष्ट थे इस प्रोडक्ट से। और प्लस हमारा प्लांट यूपी में सबसे बड़ा प्लांट है, तकनीकी जितना इक्विप्ड है उतना नॉर्थ ईस्ट में कोई प्लांट नहीं है, जितना यूपी में है अपना। और थर्ड लार्जेस्ट प्लांट है हमारा इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो बाकी तो आपने सब देखा ही है, जो भी आप बोला उन्होंने कि प्लांट में बराबर ऐसी मशीनें बन रही हैं जो कि जो विदेशों से सारी तकनीकें आती हैं वो हम कम दामों में किसान को जो बेहतर खपत दे सके वो हम बना के दे रहे हैं। मैम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये किसानों के लिए कितना उपयोगी रहेगा ये यंत्र। ये हमारा जो अर्जुन सीरीज हमने निकाली है ये 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पे भी चलेगा और ऐसा अब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है नॉर्थ यूपी में का, तो मैं ले सकती हूँ गारंटी। रादर इंडिया में भी